हाई एवरी वन, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वॉचिंग टारगेट बोर्ड। सो माई डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था सर इंग्लिश क्लास 10th का स्टार्ट कीजिए, तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है और हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का पहला चैप्टर द पेस फॉर लिविंग। ओके, हम लोग लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक भी लाइन छूटने वाला नहीं है। ये आपके बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में ये इस तरह से, ओके, आपके बुक में इस तरह से दिया हुआ होगा द पेस फॉर लिविंग। ओके, बट यहाँ आप क्रिस सर से पढ़ रहे हैं, टारगेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल मिलना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको स्पेशल पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही स्पेशल है ना। यूट्यूब पे एकमात्र क्रिस सर का ही ऐसा वीडियो है जो कि दैट मीन्स टारगेट बोर्ड पे आपको एक ऐसा वीडियो मिलेगा जो आपको यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा। यदि बिलीव ना हो तो सर्च करके देख लें। ओके, तो चलिए, तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर के बारे में समझेंगे कि द पेस फॉर लिविंग है क्या। ओके, सबसे पहला बात इसी को हम समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो समझिए, द द जो यहाँ पे है, द द एक क्या है, हमारा आर्टिकल है। द एक क्या है, यहाँ पे हमारा आर्टिकल है, ये याद रखिएगा। द यहाँ पे क्या यूज किया गया, आर्टिकल यूज किया है, द पेस फॉर लिविंग। ओके, तो पेस का मतलब होता है गति। ये देखिए, एक पीस मीन्स होता है शांति, एक पीस मीन्स होता है टुकड़ा, और यहाँ पे पेस है, पेस का मतलब क्या होता है, गति। फॉर लिविंग, लिविंग बोले तो जीवन। अब देखिए यहाँ पे द पेस फॉर लिविंग का मतलब ये हो रहा है कि मतलब हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन है उसमें जो गति है, समझिए, हमारा जो जीवन है उसमें जो गति है ना, वो आज की दुनिया में कितना ज्यादा बढ़ चुका है। दैट मीन्स हमारा जो गति है वो जीवन में कितना फास्ट हो चुका है। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है द पेस फॉर लिविंग, मतलब जीवन के जो रफ्तार है, जीवन के लिए जो गति है, उनके बारे में बताया गया है। महान दैट मीन्स बहुत ही फेमस, जाने माने दैट मीन्स राइटर जिसका नाम आप लोग अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, जिनका नाम है RC हचिनसन। क्या नाम है, RC, है ना, हचिनसन। क्या नाम है, RC हचिनसन। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं इनका फुल नेम जो है रे कॉटन, क्या है, हचिनसन। ओके, तो ये दिमाग में रखिएगा कि द पेस फॉर लिविंग के लेखक, द पेस फॉर लिविंग के लेखक कौन है, ये है कौन, ये ससुराजी है ना, ये ससुराजी द पेस फॉर लिविंग के क्या है, लेखक हैं। ओके, और आपको मैं बता ही चुका हूं द पेस फॉर लिविंग का मतलब क्या होता है। ओके, तो आई थिंक आप लोग को यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ गए होंगे द पेस फॉर लिविंग मतलब क्या है, जीवन की जो रफ्तार है ना, उनके बारे में इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। ओके, अब देखिए सवाल यहां से उठता है, दस द पेस फॉर लिविंग है क्या, द पेस फॉर लिविंग क्या है, स्टोरी है, एसे है, या प्ले है, या ड्रामा है। तो चलिए उन पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि द पेस फॉर लिविंग है क्या। ओके, तो चलिए हम लोग सीखते हैं, समझते हैं द पेस फॉर लिविंग क्या है। तो द पेस फॉर लिविंग में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है, कोई इसे क्या बोल रहा है, स्टोरी बोल रहा है, कोई इसे क्या बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, कोई इसे क्या बोल रहा है, प्ले बोल रहा है, कोई इसे क्या बोल रहा है, ड्रामा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ड्रामा। ओके, तो अब समझिए कि चार कंफ्यूजन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सर सटीक क्या मारेंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, याद रखिएगा, जब इस तरह से ढेर सारे कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए तो वहां पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन से। वहां पे आपके पास चार ऑप्शन दिया रहेगा, यदि ऑप्शन में स्टोरी है, बाद में कि ये तीनों नहीं दिया हुआ है तो आप स्टोरी मारिए, ठीक। यदि ऑप्शन में ऐसे दिया हो और ये तीनों नहीं दिया हुआ तो आप क्या मारिए, ऐसे मारिए। यदि ऑप्शन में ये दिया हुआ हो और ये तीनों नहीं दिया हुआ तो आप प्ले मारिए, और ये ड्रामा दिया हुआ हो और ये तीनों नहीं दिया हुआ तो आप क्या मारिए, ड्रामा मारिए। अब कुछ बच्चे के मन में आ रहा होगा, सर चारों दे दिए तब, चारों ऑप्शन आ गया तब क्या होगा, तो चारों ऑप्शन कभी नहीं देंगे, इतने वो थोड़ी जाहिल हैं, वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, ऐसा वो काम कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे बुक में मुख्य रूप से ज्यादा देखा गया है क्या, ऐसे। लेकिन यदि आप विकिपीडिया कीजिएगा गूगल पे जाके, तो ये क्या स्टोरी है, क्या है, स्टोरी। और जब आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ये प्ले है। प्ले बोले तो एक तो खेलना होता है, प्ले मीन से क्या होता है, खेलना भी होता है, लेकिन प्ले मीन से क्या होता है, नाटक भी। क्या होता है, नाटक भी होता है, क्या होता है, नाटक भी है, याद रखिएगा। और ड्रामा मीन्स भी क्या होता है, नाटक। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अबाउट अथर। अबाउट का मतलब होता है विषय, अथर मीन्स क्या होता है, लेखक, राइटर मीन्स भी लेखक होता है, और नरेटर मीन्स भी क्या होता है, लेखक होता है। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे,
फुल नेम जानेंगे, किसके बारे में, अबाउट अथर के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, इनका बेचारा का जन्म कहाँ हुआ था, मरे कैसे थे, क्या क्या था, इनके पूरे कहानी को हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हम इनके फुल नेम के बारे में बात कर ले, क्योंकि आपके बुक में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, फुल देखने वाले, क्या देखने वाले, फुल नेम। तो फुल नेम हमारा है रे कॉटन हचिनसन। ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आरसी हचिनसन का फुल नेम क्या है, आपके बुक में बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं ना कितना मेहनत करते हैं। यदि आप लोग वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना बड़ा हम लोग का परिवार होगा उतना ज़्यादा अच्छा हम लोग का क्या, दैट मीन्स पावर होगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं, अब इनके जन्म के बारे में यदि हम बात करें, जन्म है ना, तो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 को, और ये जन्म इनका कहाँ हुआ था, ब्रिटिश, दैट मीन्स लंदन ही कह सकते हैं, है ना, तो इसीलिए तो इसे ब्रिटिश नोवेलिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, ब्रिटिश नोवेलिस्ट भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा इसे क्या, ब्रिटिश नोवेलिस्ट के भी नाम से जानते हैं, किनको, आर सी हचिनसन को। ओके, ये आप लोग लिख लिए होंगे, अब यहाँ पे समझते हैं। ओके, इनकी मृत्यु के बारे में बात करें तो 3 जुलाई 1975 को लंदन में इनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ओके, यहाँ तक मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा। और ये भी चीज़ बता देते हैं, ये भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और मतलब जन्म नहीं दिया हुआ, लेकिन तब पर भी आपको जानकारी के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ओके, और ये ज़रूरी है, कभी कभी बुक में नहीं भी दिया रहता है, मतलब डेथ है ना और जन्म, तब पर भी पूछ लिया गया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरा स्टूडेंट है ना किसी के सामने जरा सा भी ऐसे करके अपने फेस को ना झुकाए, आपको एवरीथिंग मैं क्या करूँगा, बताऊँगा। ओके, बस सपोर्ट कीजिए, ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए तो समझते हैं हम लोग, ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट। अब देखिए कि ब्रिटिश दैट मीन्स जहाँ अंग्रेज, जिसके बारे में आप जानते होंगे, ओके, सुने ही होंगे, यदि हम ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पे ढेर सारे नोवेलिस्ट थे, लेकिन उन सब नोवेलिस्ट में ही किसके लिए आया, आर सी हचिनसन, यानी आर सी हचिनसन जो है सब में क्या थे, बेस्ट। एक तो अच्छा होता है, अच्छा में भी जो अच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस्ट कहते हैं, है ना। और ये बेस्ट कौन सा डिग्री होता है, ये होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री होता है, सुपरलेटिव डिग्री, ये याद रखिएगा, ये क्या होते हैं हमारे बेस्ट, हमारे क्या होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का यूज होता है। और सुपरलेटिव डिग्री को पकड़ते कैसे हैं, तो लास्ट में क्या रहता है, ई एस टी, क्या रहता है, ई एस टी, किस में, एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव क्या है, जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अच्छा या बुरा बताता हो, है ना, किताबी लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल नहीं किताबी लैंग्वेज। ओके, हम जान रहे हैं कि जो है ना नाउन प्रोनाउन का विशेषता बतलाता हूँ, मुझे भी पता है, ठीक, बस थोड़ा सा ग्रामर आया था बता दिए, ये याद रखिएगा। ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट, है ना, वो उपन्यासकार में कैसे ब्रिटिश के बेस्ट उपन्यासकार थे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, हिज नोवेल, उनका एक बहुत ही ज़्यादा फेमस, फेमस मीन्स होता है प्रसिद्ध, है ना, उनका एक बहुत ही फेमस नोवेल था जिसका नाम था राइजिंग, याद रखिएगा, क्या नाम है, राइजिंग। राइजिंग नोवेल जो है उसका शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, शॉर्ट लिस्टेड मतलब चुना गया था, शॉर्ट लिस्टेड मतलब क्या, किसी चीज को चुनना, है ना, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था फॉर द, है ना, बुकर प्राइज इन 1976, यानी 1976 में एक प्राइज होता है बुकर प्राइज। बुकर प्राइज क्या होता है समझिएगा, ये मतलब साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, किसके क्षेत्र में, साहित्य, साहित्य मतलब लेखन के क्षेत्र में इसे क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इनका एक नोवेल था, ये पूछ सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछ देगा, पूछेगा कि राइजिंग जो नोवेल है वो किनके द्वारा लिखा गया था, तो किनके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा आर सी हचिनसन के द्वारा। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ राइजिंग के बारे में, बेचारा ये जो आर सी हचिनसन थे, ये बुक लिखते लिखते ही मर गए थे, दैट मीन्स ये बुक उनका सबसे क्या था, आखिरी नोवेल था, ये भी याद रखिएगा, उनका सबसे ये क्या था, आखिरी था, बेचारा लिखते लिखते ही मर गए थे। यहाँ पे देखिए ना, डेथ कब हुआ था, 1976 में, और ये बुक जो था शॉर्ट लिस्टेड कब हुआ था, 1975 में डेथ हुआ था, और 1976 में ये बुक क्या हुआ था, शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा उनका फेमस बुक रहा था, और बेचारा लास्ट में ये लिखते लिखते इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, किनके, आर सी हचिनसन के। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन की बात किया जाए तो एजुकेशन ये 10th वगैरह सब जो किए थे वहीं पर, अपने जो उनके नेटिव एरिया थे, जहाँ इनका घर उड़ था, जहाँ पे हुआ था वहीं पे इनका क्या, दैट मीन्स ये
मतलब 10th पास किए थे, लेकिन ये जो है बीए का डिग्री, किसका डिग्री, बीए, यहाँ पे बीए समझ रहे होंगे आप लोग, बैचलर ऑफ आर्ट, जैसे आप लोग भी मैट्रिक के बाद इंटर कीजिएगा, इंटर के बाद जैसे आर्ट्स पेपर में जैसे इंग्लिश या फिर हिंदी या उर्दू या संस्कृत, जैसे कि क्रिस सर मेरा खुद क्या है, बीए कंप्लीट है, दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा इंग्लिश ऑनर्स था। ये आरसी अचिंसन साहब जो हैं ये बीए किए थे, वो भी किस स्ट्रीम से, इंग्लिश ऑनर्स से ही थे, क्योंकि स्वाभाविक है जब इसमें लिख ही रहे थे तो ठीक। तो ये बीए कंप्लीट किए थे किससे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, आप देख सकते हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ आपके सामने है, ये क्या है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और अभी बहुत ही जाने माने फेमस है, क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या फेमस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये बीए क्या किए थे, डिग्री लिए थे, कौन, आरसी हचिंसन। आई होप कि आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जान ले तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके चलिए, तो हम थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में इनके जानते हैं, ठीक। अब देखिए इनके ये वाइफ है, ठीक, मार्गरेट ऑन जॉन्स है ना, ये इनकी वाइफ है, तो याद रखिएगा इनके पत्नी का नाम। ओके अच्छा, डेथ जो हुआ था तो हम अभी जस्ट बता ही दिए थे, ही है ना, ही डाइड बिफोर कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज नोवेल, और वो नोवेल का नाम क्या था, राइजिंग, याद रखिएगा है ना, उस नोवेल का नाम क्या था, राइजिंग, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, उस नोवेल का नाम क्या था, राइजिंग था। अब देखिए यहाँ पे राइजिंग है, ठीक। अब राइजिंग के बारे में बात किया जाए तो ये के थोड़े इंटरेस्टिंग चीज़ ये रही है कि इसे पब्लिश कैसे किया गया था और शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया गया था, ये सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा सर राइजिंग को ही बार बार आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बार सवाल किया जा चुका है आपके एग्जाम में। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे बच्चे को ये लग रहा होगा सर 10th में इंग्लिश पढ़ के क्या होगा, तो जान लीजिए बबुआ जी है ना, यदि 10th में इंग्लिश कम आया ना, नंबर कम आया इंग्लिश में, तो फिर तो आपका कहानी भी क्या है, खत्म है। आप वैसे डिग्री लेके क्या कीजिएगा, जिस डिग्री का कोई यूज ही ना हो, आप कोई जॉब में फॉर्म ही ना भर पाइएगा, तो वैसे इंग्लिश पढ़ के आप क्या कीजिएगा, दैट मीन्स वैसे अदर विषय पढ़ के आप क्या कीजिएगा, आपका मैथ में बहुत नंबर आ गया है ना, साइंस में बहुत नंबर आ गया, सोशल साइंस में बहुत नंबर आ गया, संस्कृत में बहुत नंबर आ गया, हिंदी में नंबर आ गया, लेकिन यदि आपका इंग्लिश में कम नंबर आया तो आपको फॉर्म भी भरने का अनुमति बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि फॉर्म भरने का भी अनुमति आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए 10th बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंग्लिश आप इसलिए पढ़िए क्योंकि आपके लाइफ से भी रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ये क्या देगा, काम देगा, क्योंकि आपके जीवन में इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा क्या है, महत्व है अभी के वर्तमान युग को देखते हुए। ओके, तो राइजिंग के बारे में यदि बात किया जाए तो इसे हम दो तरह से यहाँ पे बांटे हैं, ठीक, दो तरह से क्या किए बांटे हैं। पब्लिश्ड मतलब होता है प्रकाशित, कोई चीज़ जैसे फिल्म वगैरह सब रिलीज होते हैं ना, तो उसी तरह से बुक क्या होते हैं, पब्लिश्ड होते हैं ना, एक डेट पड़ता है। बुक पब्लिश्ड होने का जो डेट था वो था सितंबर, क्या था, सितंबर 1976 में है ना, ये बुक, दैट मीन्स 1975 में उनकी डेथ हुई और 1976 सितंबर में ये बुक क्या हुए, पब्लिश हुए। लेकिन जब पब्लिश हुए तो ये शॉर्ट लिस्टेड में जो गया, किसमें शॉर्ट लिस्टेड में गया, किसमें, बुकर प्राइज, जो इसे प्राइज मिलने वाला था, सितंबर में लॉन्च हुआ, अक्टूबर नवंबर, यानी दैट मीन्स एक महीना का क्या ले लिया टाइम है ना, तो नवंबर में जाके इसे शॉर्ट लिस्टेड में क्या किया गया था, इंस्टॉल किया गया। ओके, उसके बाद थोड़ा सा और जान ले, आरसी हचिंसन लमसम 17 नोवेल लिखे। नोवेल मीन्स क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा समझा दे, नोवेल का मतलब होता है उपन्यासकार, क्या होता है, नोवेल का मतलब उपन्यासकार होता है। आप लोग देखे होंगे मोटे मोटे जो किताब होते हैं जिसमें ढेर सारे क्या होते हैं, कहानी होते हैं, ठीक, वो हमारे क्या होते हैं, नोवेल है ना। तो इनकी संख्या कितनी है, 17 है, और शॉर्ट स्टोरी जो ये लिखे थे वो 28 लिखे थे। शॉर्ट स्टोरी जो मतलब लघु कहानी होते, लघु मतलब क्या, छोटे छोटे जो कहानी होते, किस्सा होते हैं जो आप अपने दादी माँ से सुने हैं। ओके, तो ये थे हमारे क्या अबाउट अथर के बारे में, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। यदि अच्छा कमेंट नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब थीम ऑफ द चैप्टर। ओके देखिए थीम ऑफ द चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये टॉपिक। थीम ऑफ द चैप्टर के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए पहले समझ ले थीम मीन्स होता क्या। आप जैसे मोबाइल वगैरह सब में देखते हैं आपका बैकग्राउंड, ओके, उसमें आप जैसे पुराने वाले मोबाइल में, अब तो नहीं, पहले वाले मोबाइल में बहुत ज़्यादा होते थे थीम होते थे। नोकिया का एक मोबाइल आता था उसमें थीम होते हैं और अभी भी थीम होते हैं। ओके, तो उसमें पीछे का जैसे मान चलिए ये वाइट है, ये वाइट जो ये क्या है, थीम है, दैट मीन्स ये थीम है, ये इमेज है, ये इमेज के पीछे का क्या है, थीम है। तो उसी तरह से उस प्ले में, इस नाटक में, इस एसे में जो है थीम है, और थीम में कौन कौन कैरेक्टर हैं, दैट मीन्स इस ड्रामा में हम पहले ही बता चुके हैं कि ये एक प्रकार का क्या है, प्ले है,
दैट मीन्स चार चीज हम बताए थे ना, प्ले, ड्रामा, स्टोरी, ठीक। तो यहाँ पे लेखक जो है इसे किसके रूप में प्रेजेंट किया है, प्ले के रूप में, दैट मीन्स नाटक के रूप में। तो नाटक के जब रूप में है तो पहले हम लोग ये तो देख लें कि इनका मतलब कौन कौन कैरेक्टर है, कौन कौन कैरेक्टर क्या क्या कर रहे हैं, ठीक। तो समझिए इस चैप्टर में मुख्य रूप से मैन जो हीरो है, हीरो कौन है, ये है बेचारा, हीरो कौन है, ये कौन है, तो इनको हम लोग समझ ले। ये बेचारा है इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, कौन है, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, ये याद रखिएगा। ये क्या है, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, याद रखिएगा, ये क्या है हमारे, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अब देखिए कॉर्न का मतलब, इल्डरली का मतलब होता है उम्र दराज, है ना, उम्र दराज। इल्डरली का मतलब क्या होता है, उम्र दराज। देख सकते हैं इसका यहाँ पे मोच है, आप देख रहे हैं, ठीक। और ये यहाँ पे भुट्टा आप देख रहे हैं, दैट मीन्स मकई के जो अनाज होते हैं, ठीक, उनको हम यहाँ पे क्या किए, पिक किए, ठीक। तो हीरो कौन है, ये इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, ठीक। और इसी इल्डरली कॉर्न मर्चेंट का ये क्या है, वाइफ है, देख ही सकते हैं कितने गजब की है, ओके, आप लोग हंस रहे हैं, हाँ हम देख रहे हैं, बहुत ठीक। तो यहाँ पे ये इनकी क्या है, वाइफ है, और ये कोई हीरोइन से कम नहीं है, ओके, ये इसकी वाइफ है और ये हीरोइन से बिल्कुल भी कम नहीं है। और ये ससुरा जो है इनका भतीजा है, ससुरा क्या है, इनका भतीजा है। और देखिए यहाँ पे आईफोन का लोगो है, यानी एप्पल का, और बहुत भीसी है ये छोटा, है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, भीसी है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं भीसी है, अभी आपको मजा आने वाला, ठीक। तो ये सारा चीज़ हम आपको बता दिए, ये क्या थे, दैट मीन्स इनके पूरे कैरेक्टर थे, ठीक। दैट मीन्स इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ओके। थोड़ा सा और मैं कैरेक्टर की बात कर लूँ, मुख्य रूप से तो हीरो यही है, कौन, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, ओके, ये उम्र दराज है ना, ये जो व्यापारी है अनाज के, ये ठीक। तो अब देखिए कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ओके। अब देखिए शुरू में क्या लगता है कि जैसे ये जो हमारा नाटक है, ठीक, ये जो हमारा क्या है, प्ले है, इसे जो राइटर प्रकट किए हैं, इसे जो राइटर क्या किए हैं, बताए हैं, लेखक जो इसे क्या किए हैं, बताए हैं, तो शुरुआती दौर में, दैट मीन्स जब बुक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स प्ले को, जब नाटक को ये स्टार्ट करते हैं लेखक शुरुआती दौर में, तो शुरुआती दौर में सारा चीज किसको बनाया जाता है, दैट मीन्स इस इल्डरली कॉर्न मर्चेंट को, चैप्टर में शुरुआती दौर में सारा चीज क्या करता है, किस पे फेंकता है, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट पे। लेकिन जैसे थोड़ा सा नाटक आगे बढ़ता है तो लेखक अपने आप को होशियार बना के सारा चीज अपने पे ले लेते हैं। गौर से समझिए कि शुरुआती दौर में बेचारा इसी को क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, इसी के बारे में सारा चीज स्टार्ट होता है, इसी के बारे में बताया जाता है। लेकिन जैसे ही कहानी, दैट मीन्स थोड़ी सी आगे बढ़ती है नाटक, तो फिर उस नाटक में सारा कहानी किस पे ले लेते हैं, लेखक अपने पे लेते हैं। और क्वेश्चन आंसर भी जब करवाते हैं, है ना, तो आगे तो उसमें भी वो अपने आप पे सारा चीज ले लेते हैं। तो याद रखिएगा कि हीरो ये बेचारा एक नाम का है, लेकिन सारा चीज काम का वो कौन कर रहे हैं, लेखक कर रहे हैं, ठीक, अपने आप को वो बता रहे हैं, ओके। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा लेखक के बारे में, फेस देख लीजिए, दैट मीन्स ये क्या करते हैं, दैट मीन्स स्टोरी तो कहना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सारा चीज अपने पे वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब नाटक यदि हम बात किया जाए तो आरसी हचिंसन कहते हैं, गौर से समझिएगा, आरसी हचिंसन कहते हैं कि डबलिन में, कहाँ पे, डबलिन में, दैट मीन्स डबलिन में वो एक क्या देखे थे, प्ले देखे थे, नाटक देखे थे। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि लेखक जो है नाटक कहाँ देखे थे, तो लेखक नाटक कहाँ देखे थे, ये हमेशा याद रखिएगा, लेखक नाटक देखे थे कहाँ पे, डबलिन में, याद रखिएगा, लेखक नाटक कहाँ देखे थे, डबलिन में। बोलते हैं कि दैट मीन्स आरसी हचिंसन बोलते हैं कि डबलिन में मैंने एक क्या देखा था, प्ले देखा था, क्या देखा था, प्ले देखा था, नाटक देखा था, है ना, जिसका चीफ कैरेक्टर, जिसका क्या, चीफ कैरेक्टर जो था वो कौन था, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। चीफ कैरेक्टर कौन था, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था, यही बेचारा, ये इल्डरली कॉर्न मर्चेंट अभी जस्ट आपको बताए थे। और याद रखिएगा इल्डरली का स्पेलिंग भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, याद रखिएगा, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, ठीक। तो लेखक बोलते हैं डबलिन में मैंने एक क्या देखा था, नाटक देखा था, डबलिन में नाटक देखा था, जिसका मुख्य कैरेक्टर कौन था, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। यहाँ पे ये साफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक, लेकिन फिर आगे क्या करते हैं, सारा चीज अपने पे ले लेते हैं, ठीक। तो लेखक मतलब डबलिन में एक मतलब नाटक देखा था, जिसका मुख्य कैरेक्टर कौन था, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। अच्छा, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट रहने वाले कहाँ के थे, तो ये भी ये चर्चा करते हैं कि इल्डरली कॉर्न मर्चेंट रहने वाले हैं आयरिस के एक स्मॉल, है ना, स्मॉल, है ना, स्मॉल, a small Irish country town, याद रखिएगा, है ना, ये कहाँ के रहने वाले हैं, एक छोटे से, है ना, शहर है ना, जो कि उसी के देश, है ना,
दैट मीन्स है जहाँ जिसका नाम क्या है आयरिश कंट्री टाउन, वहीं पे ये रहते हैं ठीक, वहीं पे इनका क्या था कहानी था। तो ये याद रखिएगा कि वो कहाँ के रहने वाले थे, आयरिश के ठीक, दैट मीन्स वो बेचारा इल्डरली कौन मर्चेंट ओके। उसके बाद आगे कहते हैं कि ये जो आदमी थे, ये बेचारा जो आदमी थे कौन, इल्डरली कौन मर्चेंट, जिसको ये हीरो मानते हैं ना, तो इसके बारे में बोलते हैं कि ये जो इल्डरली कौन मर्चेंट है इनके बारे में बोलते हैं कि ये एक एगोनी मैन है। कैसा मैन है, एगोनी, एगोनी मीन्स क्या होता है समझिएगा, एगोनी मतलब होता है दुखद, है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा दुखद वाले आदमी है ये बेचारा, है ना, एगोनी मैन है ना। मॉडर्न ऑफ मतलब कहने का मतलब आधुनिक युग में ये सबसे ज़्यादा क्या दुखद वाले आदमी है, क्योंकि इन्हें ढेर सारी चिंताएं हैं, इन्हें क्या है ढेर सारी चिंताएं, इसलिए क्यों ये दुख में रहते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये कहते हैं कि अभी के युग जो है, वर्तमान में जो युग है, अभी के जो प्रेजेंट है ना, दैट मीन्स 2022 जो है, ये जो 21वीं सदी है, ये बोलते हैं कि मॉडर्न युग बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, फास्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है ओके। ये बोलते हैं कहते हैं कि इनकी एक पत्नी है, इनकी एक क्या है पत्नी है ना, ये कहानी दैट मीन्स नाटक में बताते हैं कि इल्डरली कॉर्न मर्चेंट की एक पत्नी है, और ये व्यक्ति जो है, ये इल्डरली कॉर्न मर्चेंट जो है, ये बहुत ज़्यादा दुखद है, बहुत ज़्यादा, इसे ढेर सारी चिंताएं हैं ना, है ना, मैनी एनग्जाइटीज, एनग्जाइटीज मीन्स क्या होते हैं चिंताएं, इन्हें ढेर सारी क्या है चिंताएं हैं। क्यों चिंताएं, क्योंकि इसकी पत्नी जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चीली है, स्पेंडिंग करती है, क्या करती है स्पेंडिंग, मतलब किस पे, तो हॉलीडे पे, हॉलीडे मीन्स क्या होता है छुट्टी के दिन, कोई भी छुट्टी का दिन हो ये बस क्या करती है, ये क्या करती है 10 पाउंड खर्च कर देती है, क्या कर देती है, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा है ना, कि ये जो मैन थे ढेर सारी चिंताएं से घिरे हुए थे, इसलिए क्योंकि इसकी पत्नी एक नंबर की क्या थी खर्चीलू थी, कोई भी चीज हो, कोई भी हॉलीडे हो, बस क्या करती थी खर्चे कर देती थी, किस चीज पे खर्चे कर देती थी, तो देखिए रहे हैं लिपस्टिक लगाई है ना, एकदम पूरा काजल लेकमी का एकदम पूरा एकदम भरी हुई है, देख रहे हैं ठीक, एकदम कितना गजब गजब का मल्ला पहनी हुई है, क्या एकदम दिख रही है ठीक। तो किसी भी हॉलीडे में ये क्या करती थी, हुमच के खर्चा करवाती थी अपने पति से है ना, और लमसम ये अपने इंडिया की बात किया जाए तो ये जो है लमसम 600, दैट मीन्स कहने का मतलब किसी भी छोटे मोटे हॉलीडे पे ये क्या करवा देती थी, खर्च करवा देती थी 10 पाउंड, याद रखिएगा ये कितने खर्च करवाती थी, कितने 10, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा। और इनका भतीजा भी कम नहीं था है ना, इसका भतीजा जो था है ना, इसे चीट करता था है ना, ये क्या करता था, इसका वे नेफ्यू जो था, इनका ये जो नेफ्यू जो था ये क्या करता था चीट करता था, कोई भी काम देता था तो उसमें ये क्या करता था चीट करता था, रुपया उपया बचा उचा लेता था, और रुपया बचा के क्या खरीदता था आईफोन, और आईफोन खरीद के सेल्फी लेता था, और होशियार तो हैवे कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, एडवांस बनता था, देखो हमारे पास ये है आईफोन है, मतलब दिखाता था ठीक। तो ये पहला चीज़ कि इसकी पत्नी इससे क्या करती थी खर्च करवाती थी, दूसरा इसका भतीजा भी जो है इसे क्या करता था ठगता था, कुल मिलाकर उनका जिंदगी पूरी तरह से क्या हो चुका था फास्ट हो चुका था, इतना फास्ट हो चुका था कि ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा क्या परेशान रहते थे, दैट मीन्स कहने का मतलब इन्हें ढेर सारी क्या थी चिंताएं थी, बहुत सारे इनके पास क्या थे टेंशन थे कि बाप रे बाप कितना ये सब तेज है ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, अब देखिए कि यहाँ पे मैं 4 पिक लिया हूँ, एरोप्लेन, कार, लंदन और न्यूयॉर्क ओके। इससे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है जब एक एरोप्लेन के बारे में ये जानते हैं कि जिसकी स्पीड 1 घंटे में कितनी है 1000। ये बात इसे जान के बहुत ही ज़्यादा हैरानी होती थी कि एक एरोप्लेन की स्पीड कितना है 1000, है ना, 1000 पर आवर, 1000 पर आवर मतलब कि 1 घंटा में कितना दूरी तय करता है 1000। ये बात सुन के ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा चीखता था, कौन चीखता था, ये बेचारा कि हो बाप इतना स्पीड है, ये बात सुन के उन्हें क्या लगता था बहुत ही ज़्यादा मतलब आश्चर्य होता था। उसके बाद यहाँ तक ही नहीं अब ऐसा बात गौर से समझिएगा कि यहाँ से फिर लेखक क्या करते हैं अपने नाटक को मोड़ते हैं ऐसे कि उसे तेज गति मतलब सुन के मतलब उनका दिमाग घूरने लगता था कि बाप रे बाप एरोप्लेन की स्पीड इतनी है। यहाँ तक ये किसका बारे में जिक्र करते हैं, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट का। अब देखिए फिर ये लेखक क्या करते हैं नाटक को अपने ओर खींचते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तेज गति को रैपिड मोमेंट को, किसको रैपिड मोमेंट मीन्स क्या होता है तेज गति, रैपिड मोमेंट ऐसा नहीं है
है ना, कि रेट पिट मूवमेंट को ये क्या करते हैं, ना पसंद करते थे। दैट मीन्स ये तेज गति को पसंद करते थे। लेकिन एक और बोल रहा है कि एरोप्लेन का स्पीड क्या है 1000, तो इनका दिमाग मतलब घूमने लगता था कि बाप रे बाप एक इतना है, ठीक। और दूसरी और ये बोलते हैं कि मुझे इंजॉय आता है, क्या आता है, मुझे इंजॉय आता है, क्या चीज़ में इंजॉय आता है, मुझे इंजॉय आता है कार चलाने में, क्या चलाने में, इसे इंजॉय आते हैं किस चीज़ में, कार चलाने में, कि कार चलाने में इसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और वो कैसे मज़ा आता है समझिए, ये बोलते हैं कि एक तो एरोप्लेन की स्पीड इतना है तो इसे बहुत ही ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, इसे क्या बहुत ही ज़्यादा इसे प्रॉब्लम होती है, ठीक। यहाँ से फिर लेकर क्या करते हैं, आई इंजॉयड, मैं मज़े लेता हूँ, है ना, किस चीज़ से, कार से, किससे मज़े लेता हूँ मैं, कार से क्या लेता हूँ, मज़े लेता हूँ। और कार से कैसे मज़ा लेता हूँ, कि इसका स्पीड कितना हो, 90 हो, इसका स्पीड कितना, 90 हो, मतलब कि वो कार चलाने में मज़ा लेते हैं ना, ड्राइव करने में मज़ा लेते हैं। और उस कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। और हंसी लगे आप लोग को कि ये कार अपना नहीं होना चाहिए, ये कार अपना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये कार किसी और का होना चाहिए, तब इसे क्या आता है, मज़ा आता है। और वो भी कितने की स्पीड में, 90 की स्पीड में। तो याद रखिएगा एरोप्लेन का स्पीड 1000 है ना, और वो कार का कितना में मज़े लेते हैं, 90 की स्पीड में। 90 की स्पीड बोले तो एक घंटे में लमसम वो कितना दूरी तय कर लेंगे, 90 के स्पीड मतलब 90 किलोमीटर दूरी तय कर लेंगे। एक तरफ कह रहा था कि हमें तेज गति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, है ना, और दूसरी तरफ वो बोलते हैं कि नहीं, कुछ जगह पे उसे तेज गति पसंद है, कैसे, तो कार चलाना कितने की स्पीड में, तो 90 के स्पीड में, है ना, कार चलाना इसे क्या है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसके अलावा वो बोलते हैं, गौर से समझिएगा, है ना, डाइन कहाँ करना चाहता है, याद रखिएगा ये डाइन करना चाहते हैं लंदन में। डाइन मीन्स क्या होते हैं, रात के भोजन, ये डाइन करना चाहते हैं, डाइन बोले तो है ना रात के जो भोजन होते हैं ना, तो रात का भोजन कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में करना चाहते हैं, ये देख सकते हैं लंदन का हम यहाँ पे इमेज लगाए हैं, ठीक। और यहीं से डायरेक्ट फिर लंच, लंच बोले तो दिन का भोजन, ओके, और लंच जो करना चाहते हैं वो लंच कहाँ करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क में। लंच कहाँ करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क में, और डाइन कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में, सोचिए। और एक तरफ क्या कह रहा था कि ये वो फलना चिलना, ठीक। उसके बाद जब सारा चीज़ ये हो जाता है तो ये बोलते हैं कि आई लव बैटरियाज, दैट मीन्स आई लव मशीन्स, ये मशीन से भी प्यार करते हैं, एडोर करते हैं, एडोर मीन्स क्या होता है, पूजा करना, ठीक, ये सारा चीज़ बताते हैं, ठीक। और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जिंदगी बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, तेज हो चुका है, ओके, कौन बोलते हैं, तो यही ससुरा, कौन, ये ससुरा, ओके। अब नेक्स्ट यदि हम बात करें तो फिर कहानी आगे बढ़ती है, नाटक। ये बोलते हैं कि अभी एक इंटेलिजेंटी का क्या ले, टेस्ट लिया जाए, सबको बैठा के, है ना, सारे व्यक्ति को क्या करके, बैठा करके, ठीक, सबको बैठा करके, है ना, एक क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, तो सबसे लोएस्ट, क्या, सबसे स्लोएस्ट लिख दिए, सबसे क्या, लोएस्ट, क्या, ये बोलते हैं कि जब एक क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, तो सबसे लोएस्ट मार्क्स मुझे ही मिलेगा, सबसे लोएस्ट मार्क्स किसे मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। सपोज यही है, ये कह रहे हैं कि दैट मींस वो बोल रहे हैं इलर्लिक और मर्चेंट के बारे में, लेखक बोल रहे हैं अपने आप को वहां पे रख के, कि यदि सबको बैठा कर एक क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, सबको बैठा कर एक क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, तो सबसे लोएस्ट मार्क्स मुझे ही प्राप्त होगा, बिकॉज आई एम स्लो थिंकर, आई एम ए स्लो थिंकर, याद रखिएगा, आई एम ए स्लो थिंकर, क्योंकि लेखक कह रहे हैं अपने आप को कि मैं एक क्या हूँ, स्लो थिंकर हूँ। स्लो थिंकर बोले तो मंद सोचने वाला, है ना, जिसका मतलब कि उतना ज़्यादा सोचने का क्षमता बिल्कुल भी नहीं हो। उदाहरण के तौर पर ये बोलते हैं, उदाहरण के तौर पे बोलते हैं कि जब मैं एक बार कहाँ गया, सिनेमा हॉल गया, उदाहरण के तौर पे क्या बोलते हैं कि जब मैं एक बार किसके साथ, अपने वाइफ के साथ, ये इनके साथ जब ये कहाँ गए, इनके साथ जब कहाँ गए, सिनेमा गए, कहाँ गए, सिनेमा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज मान लीजिए कि ये उनकी वाइफ है और ये वो है, दोनों यहाँ पे कहाँ गए, सिनेमा, फिल्म देखने के लिए, और फिल्म देखने के लिए गए तो आप इनको पहचानते ही होंगे, अक्षय कुमार को, ओके, कौन नहीं इनको जानते हैं, सब कोई जानते हैं इनका, है यहाँ पे हम दो पिक लिए हैं। सपोज ये कहाँ गए, बॉस मूवी देखने के लिए, ठीक, वैसे कहानी में क्या है नया हमको पता नहीं, ठीक। सपोज ये कहाँ गए होंगे, बॉस मूवी देखने के लिए, पति पत्नी दोनों मिलके बोलते हैं कि पहले तो ये बोल दिए क्या, ये बोल दिए क्या, ये बोले कि हम क्या है, स्लो थिंकर है भाई, यदि कोई टेस्ट हमसे लेगा बबुआ हम क्या है, स्लो थिंकर है, ठीक। उसके बाद बोलते हैं कि जब हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं, उदाहरण के तौर पर ये समझाते हैं कि हम कैसे स्लो थिंकर हैं, तो ये बोलते हैं कि जब हम कहाँ गए, फिल्म देखने के लिए गए, कहाँ, हॉल में,
है ना। तो मुझे बिल्कुल भी फिल्म समझ में नहीं आ रही थी, बाद बाकी लोगों को फिल्म समझ में आ रहे थे, बहुत ही आसानी से कहानी को अच्छे ढंग से समझ जाते थे। लेकिन हमको क्या होता था कि प्रत्येक 2 से 3 मिनट में, याद रखिएगा कितने मिनट में, प्रत्येक 2 से 3 मिनट में, ये प्रत्येक कितने, ये ललित कौर मर्चेंट प्रत्येक 2 से 3 मिनट में है ना अपने पत्नी से फुसफुसा करके कान में, है ना, इसके कान में ऐसे करके, ठीक, इसके कान में ऐसे करके पूछते थे कि इसमें कितनी हीरोइन है। दैट मीन्स कहने का मतलब इस फिल्म में कितनी हीरोइन है, इसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था है ना, क्योंकि उसको सब लगता था सब बराबर, क्या सब बराबर ही हीरोइन उसे लगते थे, किनको, उस ललित कौर मर्चेंट को। इसलिए पूछते थे कि फिल्म में कितनी हीरोइन है ना, तो उसकी वाइफ जो है ठीक, उसकी वाइफ जो है ये उसको बताती है कि इस फिल्म में कितनी हीरोइन है, 3 हीरोइन है, कितनी हीरोइन है, 3, है ना, देख लीजिए यहाँ पे इसमें कितनी हीरोइन है, 3, इसे मान लीजिए 1, इसे मान लीजिए 2 और इसे मान लीजिए 3, है ना, ऐसा वो नहीं बोलती, मतलब हम ये अपने मन से बोले हैं, ठीक। तो ये बोलती है इसमें कितनी हीरोइन है, इस फिल्म में 3 हीरोइन है और आप इसे सूचित कर सकते हैं, कैसे, ए बी और सी, है ना, और इस फिल्म में 3 हीरोइन है और हीरो कितना है, ए है, हीरो कितना है, एक ही है, हीरोइन कितना है, 3 है और ये तीनों हीरोइन इसके प्यार में, हीरो एक के प्यार में क्या गिरेगी, और वो भी क्या सीक्वेंस में, कैसे सीक्वेंस में, सबसे पहले बी उसके बाद सी और उसके बाद ए, सबसे पहले कौन गिरेगी, सबसे पहले ई एकर प्यार में जाएगी, ठीक, पहले बी ओकर बाद फिर ई एकर प्यार में जाएगी, ओकर बाद ई एकर प्यार में जाएगी, तीनों हीरोइन इस तरह से इसके प्यार में गिरेगी, तब जाके उन्हें समझ में आता है और बोलते हैं कि हीरो इसमें एक ही है जो कि फिल्म के शुरुआती दौर में अपने सर से है ना कैप को हटा के आया था, दैट मीन्स सॉरी टोपी को, किसको, टोपी को हटा के जो ऐसे करके जो उतार के आया था वही क्या है इस फिल्म में हीरो है। तो इस फिल्म में हीरो कितने हैं, 1 है और हीरोइन कितने हैं, 3 हैं। ये सारे चीज बताने के बाद तब जाके उसे रियलाइज होता है किसको, दैट मीन्स ललित कौर मर्चेंट को, लेखक अपने आप को बताते हुए कहते हैं कि अभी के युग में यदि हम स्लो सोचेंगे, स्लो मतलब समझेंगे, स्लो डिसीजन लेंगे तो हमारा है ना सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए हमें तेज मतलब युग के अनुसार अपने बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, और वास्तव में अभी के युग में यदि जो स्लो सोचने वाले हैं, मंद सोचने वाले हैं, तो उसका जीवन पूरी तरह से क्या है, श्रापित है। क्योंकि आज देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी, मोबाइल है ना, या फिर लैपटॉप, या बहुत सारे टेक्नोलॉजी इतने तेज हो गए हैं, इतने ढेर सारे तेज चलने वाली गाड़ियां आ गई, पहले टमटम फलना चिलना चलते थे, आज देखिए कि कितने सारे चीज चल रहे हैं। ओके, तो ये थे इनके कहानी, इनका मुख्य थीम यही कहना था कि समय के अनुसार आप बदलिए, समय के अनुसार अपने सोच को बदलिए, है ना, पहले और अभी में क्या है, डिफरेंट है। और यदि आप समय के अनुसार यदि आप सही से नहीं डिसीजन ले सकते हैं, फास्ट नहीं सोच सकते हैं, तो फिर आपको जीना है ना बहुत ही ज़्यादा क्या कठिनाई लगेगा, दुर्लभ लगेगा, है ना, क्योंकि आदमी आजकल बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुके हैं, तेज हो चुके हैं, शार्प माइंड के हो चुके हैं, ठीक, समझ ही सकते हैं। तो इसलिए इस ये ऐसे से यही बताना चाह रहे थे, कौन, आरसी हचिंसन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे इन्हीं का, इसी चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से थोड़ा सा झलक देख लीजिए, इस तरह से रहेगा, समझ सकते हैं, ठीक, इस तरह से, ओके, इस तरह से 1 to Z सारा वर्ड फॉर्मेशन भी आपको मैं बताऊंगा, वर्ड डिक्शनरी भी मैं करवाऊंगा। और हाँ, आप लोग यदि स्पोकन करना चाहते हैं तो क्रिस जीनियस क्लासेस या फिर क्रिस सर सर्च करके उस पर जुड़ जाइएगा, ओके, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।